हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि मैं आपको पिछले सप्ताह बताए थे कि HRMS के द्वारा आपको पहले बताए थे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, वो मैं आपको वीडियो अपलोड किया था। उस पर अच्छा आप लोग का सहयोग और सपोर्ट मिला। उसी को देखते हुए आज मैं HRMS रिलेटेड ही दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया भारत है पूरे डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें हमारा रेलवे भी है जो उसी के इशारे पे चल रही है और सभी चीज़ को पेपरलेस करने का काम कर रहा है। और जो काम पहले देरी से होता था वो अब काम को क्या कर रहा है, आसानी कर रहा है और जल्दी कर रहा है। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि ट्रांसफ़र दो तरह के होते हैं, एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है, दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। तो ऑन रिक्वेस्ट में जो स्व प्रमाणित करके जो मतलब स्थानांतरण होता है, खुद से मतलब किया जाता है, उसको ऑन रिक्वेस्ट या ऑन वे कहते हैं। और आपका दूसरा है जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, जो पारस्परिक स्थानांतरण, जो एक दूसरे के अदला बदली से अपना स्थान चेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो साथियों, पहले जैसा कि आप जानते थे और जैसा कि मैं खुद आया हूं, तो पहले हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पाँच सेट अपना और 5 सेट है जो कि सामने वाला दूसरा एम्प्लॉय भरता था, जिससे क्या होता था कि दोनों का एक दूसरे का सिग्नेचर मुहर होने के बाद अपना अपना डिवीजन में जमा कर देता था, जो कि बहुत ही टाइम लगता था और बहुत सारे पेपर पे साइन करना पड़ता था। लेकिन अब उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने HRMS में, जो HRMS से हम लोग पास PTO बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ पास PTO का ही फंक्शन नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और नहीं जानते उनके लिए बेकार जैसा लगता है। लेकिन कोई नहीं, अगर जानते हैं तो भी सही और नहीं जानते हैं तो भी सही, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल रूप से बताऊँगा। तो साथियों, जो भी पहले हम लोग पेपर पे भर के लिख के फ़ोटो दोनों साइड चिपका के देते थे, वो अब भूल जाइए, अब सभी चीज़ को क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, जो कि आप ऑनलाइन आप म्यूचुअल करा सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट करा सकते हैं, पास PTO ले सकते हैं, वो आप सभी कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल ना करें। मैं आपको पूरा का पूरा है कि आपको मैं प्रैक्टिकली रूप से बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फॉर्म को सबमिट किया जाता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिल सके। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आपको जो मैं पहले वीडियो बनाए थे ऑन रिक्वेस्ट, HRMS से ऑन रिक्वेस्ट कैसे करें, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, यहां से आप देख सकते हैं। या तो फिर हमारे प्लेलिस्ट है, जो रेलवे संबंधी जानकारी का जो प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो साथियों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने HRMS के ID पे, खोल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना होता है। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं साथियों
कि ये यहाँ जाने के बाद जब HRMS ID कैप्चा डाल के खोल लेते हैं, उसके बाद है जी कि हम लोग क्या करते हैं, जब खुलने के बाद ये एरो पर आता है, एरो पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो एरो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि डैशबोर्ड के नीचे जी की HRMS IS आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा पाँचवें नंबर पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद साथियों देखिए यहाँ पे आया न्यू एप्लीकेशन, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आपको देखिए यहाँ पे आपको Employee 1 और Employee 2 आया। तो इसमें Employee 1 का जो आप खुद हुए Employee 1 हुए, उसमें देखिए आपका Employee ID है वह ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, और जिसके साथ आप म्यूचुअल ले रहे हैं उसकी ID नीचे में Employee 2 HRMS ID लिखा हुआ है, उसमें आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयज है, तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज में है जी कि आप है जी कि देखिएगा आपका नाम पहला जो है वो रहेगा, सेकंड वाले को नाम उसमें डालना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिएगा फ़ोटो की बारी आई, तो कह रहा है चॉइस फाइल, जो फ़ोटो है आप पहले एम्प्लॉय हैं मतलब आप हैं वो अपना फ़ोटो अपलोड करें। दूसरा में है चॉइस फाइल नंबर ऑफ, जो दूसरा आपका म्यूचुअल पार्टनर है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद नीचे में बढ़िएगा तो आपका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर में आप है जी कि दोनों का सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। फिर उसके नीचे बढ़िए डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी वो फिलअप रहेगा और दूसरे वाले को भरना है जिसके साथ आप म्यूचुअल करवा रहे हैं। और आपका नीचे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप जितना पढ़े हैं वो डालिए और सेकंड वाला का डालिए। अब आप देख सकते हैं कम्युनिटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, OBC से, जनरल से, SC ST से, वो आपका तो भरा हुआ रहेगा और Employee 2 का आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, दूसरे वाला जो नीचे कॉलम है आपका Employee 2 एक्सटेंशन मेडिकल क्लासिफिकेशन, उसको आपको भरना पड़ेगा। फिर नीचे आइए PF नंबर है, तो PF नंबर जो है आपका तो ऑलरेडी रहेगा भरा हुआ, Employee 2 का आपको भरना पड़ेगा। और उसी तरह से बिल यूनिट जो आपका भरा हुआ रहेगा दूसरे को भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्टाफ टिकट नंबर, जो बड़े बड़े कारखानों में या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो स्टाफ बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, इसके लिए सबका एक यूनिक नंबर होता है, टिकट नंबर से जाना जाता है। तो आपका टिकट नंबर है वो डाल दीजिए और सेकंड वाला का जो है डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोन है कि आप है जी कि किस जोन में जी कि हैं वो डाल दीजिए अपना और दूसरे वाला का डाल दीजिए। डिवीज़न में आप जिस डिवीज़न में हो वो तो आपका डाला हुआ रहेगा, दूसरे वाले म्यूचुअल पार्टनर को आप डाल सकते हैं। दूसरे बात है स्टेशन में जिस जगह पे वो कार्यरत है आपका म्यूचुअल पार्टनर, उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगला ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं उस ऑफिस का एड्रेस रहेगा, और सेकंड में दूसरे एम्प्लॉय का रहेगा। तीसरा आगे है डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं और जिससे म्यूचुअल कराना चाहते हैं Employee 2 के डिपार्टमेंट में आप भर सकते हैं, और उसके बाद सब डिपार्टमेंट उसी तरह सब डिपार्टमेंट भर सकते हैं। डिग्निशन जो आपका क्या पद है वो है कि आपका ऑलरेडी भरा हुआ होगा Employee 2 जो जिसे म्यूचुअल करा रहे हैं उसको यहाँ पे नीचे में भरना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए पे लेवल है, जिस लेवल में आप होंगे Level 1 Level 2, क्योंकि अब ग्रेड पे हटा के लेवल कर दिया है, तो आप लेवल भर सकते हैं अपना और सेकंड में एम्प्लॉयज का। उसके बाद कहा गया बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे है और आपके जिससे म्यूचुअल करा रहे हैं उसका बेसिक पे इसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद करा डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन ऑफ द ग्रेड प्रमोशन, जब आपका प्रमोशन हुआ है कोई तो उसमें
आप अपना डालिए, और उनका अगर आपके दोस्त का जो प्रमोशन हुआ है वो डेट मंथ और ईयर के रूप में डालें, जिस तरह से DD और MM और YYY है उस तरह से डालें। फिर अब डेट ऑफ इंटाइटल अपॉइंटमेंट, जिस समय आप भर्ती हुए थे उस टाइम का डेट उसमें डालिए दोनों में। उसके बाद देखिए कह रहा मोड ऑफ इंटाइटल अपॉइंटमेंट, आप किस तरह से भर्ती हुए थे वो एम्प्लॉय टू के कॉलम में आप भरिए। ये सब जितना भी जो भरना है साथियों, शुरू में बता चुका हूँ कि जो एम्प्लॉय टू है उसका HRMS ID लॉगिन कीजिएगा, तभी ये सब आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा जो कि मैं पहले बताया हूँ। अब आगे बढ़िए, पोस्ट ऑफ इंटाइटल अपॉइंटमेंट, जब मतलब कह रहा है कि आप जब भर्ती हुए थे तो उस टाइम आपका पोस्ट क्या था, दोनों आप डालिएगा। उसके नीचे है ग्रेड पे, तो ग्रेड पे जो आपका अगर ग्रेड पे लेवल 1 में है तो ग्रेड पे 1800 डालिएगा, और आपका 5200 से 20200 डालिएगा, ये आप दोनों में डालिएगा। या तो 1900 में होंगे तो उसका लेवल अलग होगा, उस तरह से डाल सकते हैं। कह रहा है कि और नीचे है डेट ऑफ कन्फर्मेशन, तो आप डेट ऑफ कन्फर्मेशन में आप है कि डाल सकते हैं जब आपका जैसे कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो जब होता है ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उस टाइम से डेट ऑफ कन्फर्मेशन है जो कि होता है, तो वहाँ पे आप वो फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि कंप्लीट रीजन ऑफ सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र, अब आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा कि किस कारण से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो पार्टिकुलर जो एम्प्लॉय बन है आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब रहता है उसलिए लेना चाहते हैं, चाहे तो किसी को बच्चे का देखभाल करना है, इस तरह से आप कुछ भी रीज़न डाल सकते हैं। उसके बाद है वेदर अवेलेबल IDRTR RDMTR IMTR, ये सब भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रजेंट एड्रेस लाइन 1, तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा फिल करना है, उसी तरह से म्यूचुअल पार्टनर का भी एड्रेस फुल करना है। अब पूछ रहा है प्रजेंट एड्रेस लाइन 2, तो प्रजेंट एड्रेस में आपको डालना होगा कि आप प्रजेंट में भी कहाँ पे हैं, वो दोनों एम्प्लॉय को डालना पड़ेगा। अब उसके बाद पिन कोड है, जो दोनों का पिन कोड है आप पिन कोड भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है नीचे में आइएगा तो कह रहा है सुपरवाइजर नेम, तो जो सुपरवाइजर नेम है आपका वो डालिएगा, और जो आपके म्यूचुअल पार्टनर का है वो डालेंगे। उसके बाद नीचे डिक्लेशन में आपको यहाँ पे जब डिक्लेशन पूरे पढ़ लेने के बाद यहाँ पे जो कॉलम है उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद डिक्लेशन भरने के बाद नीचे में आएगा रिमार्क आएगा, तो रिमार्क में स्पेशल रिमार्क कुछ है जो कि आप लिख सकते हैं। जब ये सब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आप नीचे जो बटन है रिमार्क करने के बाद सबमिट है उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपका म्यूचुअल फाइल जो है आपका फिलअप हो जाएगा। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी लगता है तो फिर से रीसेट करके आप उसको दोबारा भर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको करके आप आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक जल्दी ही करवा सकते हैं। तो साथियों, ये प्रैक्टिकल रूप से जो मैं आपको करके दिखाया, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र वाली फॉर्म है वो किस रूप में भरा जाता है। साथियों, आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत सारे जब आप यही चीज़ आप कंप्यूटर में खोलिएगा तो जो दोनों एम्प्लॉय का जो कॉलम आएगा बिल्कुल इस तरह से आएगा, जो म्यूचुअल पार्टनर वाली जो एप्लीकेशन होता था पेपर वाला वो उस तरह से, लेकिन जब आप मोबाइल में खोलिएगा तो इस तरह के आएगा, उसमें जो कि आपका एम्प्लॉय ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में एम्प्लॉय 2 रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, आपका एम्प्लॉय नीचे 2 है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाएं, क्योंकि हम भी मोबाइल से कर रहे थे तो वहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉय 2 नीचे आया। तो साथियों, अब आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं बारी बारी से एक एक कॉलम को आपको फिल करके बताया हूँ जो कि आप खुद देखें। फिर भी अगर कोई परेशानी रह जाता है, चाहे तो किसी तरह का शंका रह जाता है मन में, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब तुरंत दूंगा। और साथियों अगर उसके बाद भी अगर मुझे आप पर्सनल कॉल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7979733708 7979733708 आशीष कुमार। साथियों आप उस पर कॉल करके हमसे अपनी बात को बता सकते हैं और मैं आपका समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन साथियों जितना भी कॉलम है एक भी कॉलम को छूटना नहीं चाहिए, आपको पूरा कॉलम को एक एक करके एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू को फिल करना पड़ेगा, तभी आपका है जो कि फाइल सबमिट होगा। और उसके बाद सबमिट होने के बाद आप वहां पे अपनी जो फाइल का स्टेटस है वो भी आप देख सकते हैं। तो साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई उसके बाद भी रिक्वायरमेंट हो किसी तरह का वीडियो का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस तरह का वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों जितने भी रेल भाई बंधु हैं वो आराम से ड्यूटी करें, और अगर घर आने का सपना बना रखे हैं तो म्यूचुअल पार्टनर अगर मिल गया है तो जल्द से जल्द आप म्यूचुअल फाइल को अप्लाई करें HRMS के द्वारा, क्योंकि अब पुराने जमाना ख़त्म हो गया पेपर वाला। तो साथियों इस तरह से आप म्यूचुअल फाइल को जल्दी जल्दी सबमिट करें अगर म्यूचुअल पार्टनर मिल गया है तो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरह से ड्यूटी कीजिए, और जल्द से जल्द आप हमारे तरह अपने घर के पास आके ड्यूटी करने का कोशिश करें। धन्यवाद साथियों।